सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल निकुल चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम Redmi Note 7 Pro की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये है वो बॉक्स जो मुझे Flipkart की तरफ से हाल ही में मिला है। तो आप देख सकते हैं ऊपर Flipkart का लोगो लगा हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये मैं बॉक्स को दोनों तरफ से काट देता हूँ, बीच में से काट देता हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है अपना फ़ोन, वो भी बबल रैप के साथ, जो कि Flipkart की बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे कि प्रोडक्ट को डैमेज नहीं होने देती है। तो ये है हमारा Redmi Note 7 Pro। ऊपर रेड कलर का बॉक्स है, ऊपर लोगो लगा हुआ है। बैक साइड में कुछ जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो है बारकोड स्टिकर वैसा कुछ, और फ़ोन के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है बैक साइड में। तो ये तो हुई बॉक्स की बात, और ऊपर हमें कुछ वार्निंग दी हुई है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। मैं सबसे पहले साइड में से काट लेता हूँ। तो मैंने काट लिया है, ओपन कर लेते हैं। टडा। तो सबसे पहले हमें देखने को, जैसा कि हमने आगे भी मोबाइल में देख चुके हैं, कि एक की मिलती है जिसे हम सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको देख लिए, ये है। तो इसको साइड में रख देते हैं, और अंदर हमें कुछ गाइडेंस बुक मिल जाती है देखने को, जिसकी मदद से हम मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। ये हमें एक बैक कवर मिलता है जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इस कवर की। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। तो ये है हमारा मोबाइल। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर है यार, कलर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। स्पेशली मैंने कलर को देख के ही मोबाइल को परचेस किया है। आप देख सकते हैं ऊपर रेडमी का स्टिकर लगा हुआ है, पीछे भी स्टिकर लगा है। तो एसेसरीज की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें हमें एक ब्लैक कलर का डेटा केबल मिला है, देखिए ये देख सकते हैं आप, और एक चार्जर मिला है जिससे हम डेटा केबल के साथ कनेक्ट करके अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये है चार्जर। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं, और अब हम अपने फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा फ़ोन, जिसमें आपको 4GB रैम मिलेगी, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और 4000mAh की बैटरी मिलती है। तो डिस्प्ले की बात करें तो हमें डिस्प्ले की बात, तो डिस्प्ले में आपको 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, और स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी का हम मान सकते हैं। तो मैं ये स्टिकर को हटा देता हूँ, ये देखिए हटा दिया है। तो चलिए बैक साइड में दिखा देता हूँ आपको, बैक साइड से भी ये स्टिकर को मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले ये हटा दिया है, तो सबसे पहले ये स्टिकर, या हाँ, तो देखने को मिलता है हमें कि बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और बैक साइड में आपको ड्यूअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है विथ फ्लैश लाइट, और कलर हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये तो हुई हमें डिस्प्ले की और बैक साइड की बात। तो चलिए अब हम इसके साइड की बात कर लेते हैं। तो इस साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन, दो बटन मिल जाते हैं जो आप देख सकते हैं, देखिए ये है ये दो बटन, और इस साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है। तो चलिए अब हम नीचे की बात कर लेते हैं। तो नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है, और चार्जिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऊपर आपको हेडफोन का ऑप्शन मिलता है, और सेंसर मिल जाता है। ये है हमारा फ़ोन जो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, Redmi Note 7 Pro। तो आप देख सकते हैं Redmi के सारे जो लोगो है, जिस तरह के उसके ऐप के लोगो हमें देखने को मिलते हैं, वैसे ही इस मोबाइल में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो कैमरा दिखा देता हूँ आपको ऑन करके। तो ये देखिए, मैं इस पहले कुछ सेट कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए कैमरा ऑन हो गया है, और ये एक फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए आपको फ़ोटोज़ अच्छी खासी क्वालिटी में देखने को मिल जाते हैं, और बैक साइड के कैमरे में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिलते हैं, और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है।
फ्रंट में आपको फ्लैश लाइट नहीं मिलेगी, आपको स्क्रीन फ्लैश मिलेगी, बैक साइड में आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना कहना था, आई जस्ट होप कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।